एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगर अर्जुन के नए एपिसोड में। तो सो आज हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ा अपडेट रहेगा। एक्चुअली दो अपडेट रहेंगे, हीरो मोटोकॉर्प, एक जो हीरो मोटोकॉर्प ज्वाइंट वेंचर हुआ है गोगोरो के साथ, इन दोनों से ही जुड़े अपडेट मैं आपके साथ यहाँ आज शेयर कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प के CFO मिस्टर निरंजन गुप्ता, उन्होंने एक इंटरव्यू में कन्फर्म किया है कि वो डेफिनेटली कन्फर्म है कि अगले साल 2022 में अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लॉन्च करेगा। और इसके लिए इनका जो राजस्थान जयपुर में जो फैसिलिटी है, जो जर्मनी में, जर्मनी बेस्ड R&D सेंटर है, वहां पर इन प्रोडक्ट को डिवेलप किया जा रहा है। और ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग रहेगा जो इनका गोगोरो के साथ ज्वाइंट वेंचर है, उसके अलावा अपने लेवल पर ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प जो कि वर्किंग ऑन फिक्स चार्जिंग सिस्टम के सारे इस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहा है, जबकि गोगोरो जो ज्वाइंट वेंचर है वो फोकस रहेगा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर। वैसे इन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया कि अगले साल के 2022 के कौन से फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में कब लॉन्च करेंगे, अभी इस पर इन्होंने कुछ नहीं बताया है। हीरो मोटोकॉर्प का जो इनका स्कूटर है मेस्ट्रो, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन ई मेस्ट्रो, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख रहे हो, को बिल्कुल डेवलप कर चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो उम्मीद है कि इस स्कूटर को गोगोरो के साथ लॉन्च किया जाएगा। ई मेस्ट्रो हम कह सकते हैं कि फिक्स बैटरी सिस्टम रहेगा, वहीं गोगोरो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेगा। बेशक हीरो मोटोकॉर्प अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लेट हैं, बट इन्होंने एथो एनर्जी में बहुत बड़ी फंडिंग की है, जिसकी वजह से आज एथो एनर्जी इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। अब बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट की तरफ। ताइवान बेस्ड ईवी मेकर गोगोरो, इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ हम सब जानते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ, बिल्कुल उनका जो फेमस स्कूटर है उसको बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के साथ अंडर, हीरो मोटोकॉर्प जो ब्रांड है उसके अंडर ही भारत में लॉन्च करेगा। इसका मतलब यह है कि जो गोगोरो का इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा वो जो हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम्स हैं, जो डीलर नेटवर्क है, उसके थ्रू ही इसको सेल किया जाएगा। एक्चुअली ये गोगोरो के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल का मैसिव रिटेल चैनल है, उसका बेनिफिट यहाँ गोगोरो को जरूर मिलेगा। और गोगोरो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने से पहले जो बड़े मेन शहर रहेंगे वहां पर जो इनका बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है उसको डिवेलप करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। गोगोरो दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि गोगोरो ऑलरेडी भारत में जो इनका वीवा इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको ट्रेडमार्क करवा चुका है, जिसकी वैलिडिटी 2029 तक है। इतने भी गुड चांसेस है कि गोगोरो वीवो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जो ब्रांडिंग रहेगी वो हीरो मोटोकॉर्प की हो सकती है, ना कि उस पर गोगोरो लिखा हो, इसके भी चांसेस ज्यादा है। वीवा इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल इसकी लुक्स डिफरेंट है, चंकी लुक है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। इस वीवा इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 90 किलोमीटर है, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, ड्राइविंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, एक हाई एंड स्कूटर इसको हम कह सकते हैं। तो वीवा इलेक्ट्रिक स्कूटर विद बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और हीरो मोटोकॉर्प का ई मेस्ट्रो फिक्स बैटरी सिस्टम, इन दोनों को ही अगले साल लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा हो कि इसको फर्स्ट हाफ में लॉन्च किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये थे आज के दोनों अपडेट, आपके लिए कितना बेनिफिट रहे अपडेट जरूर बताइएगा, कुछ आपके विचार हो तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।